सो दोस्तों, आप सब लोग तो फाइल बाई गूगल एप्लीकेशन को यूज़ करते होंगे, जहाँ पर प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ को जो है गैलरी में से हाइड करके रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गूगल फाइल पर आपको एक ऐसा फोल्डर मिलता है जहाँ पर लॉक लगाने का भी आपको ऑप्शन मिलता है, उसका नाम है सेफेस्ट फोल्डर का। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया हुआ सेफ फोल्डर का। और इस फोल्डर पर अगर आप कोई भी प्राइवेट चीज़ रख देते हैं, चाहे फोटोज़ और वीडियो अगर आप रख देते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर खुद लॉक को सेट कर सकते हैं और ये लॉक से ही खुलेगा, दूसरा कोई इसको खोल नहीं पाएगा। और जो भी आप फोटोज वीडियोज यहाँ पर आप रखेंगे, गैलरी से जो हट जाएगा और सिर्फ यहाँ पर रहेगा, आपका गूगल ड्राइव पर कहीं पर भी नहीं जाएगा, सिर्फ इस गूगल फाइल का जो सेफेस्ट फोल्डर है यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर फोटोज और वीडियोज को किस तरीके से रखा जाता है, मैं आपको वीडियो में सबसे पहले ये बताता हूँ। तो आपको करना है कि यहाँ पर आपको इमेजेस, वीडियोज, ऑडियो के सब कुछ का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर अगर इमेजेस को जो है हाइड करके, सॉरी इमेजेस को यहाँ पर सेफेस्ट करके रखना है, कोई भी प्राइवेट चीज़ फोटोज और वीडियो हो गया, तो आपको इमेजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। इमेजेस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपका गैलरी का जो सारा इमेजेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई भी अगर फोटोज और वीडियोज को जो है हाइड करके रखना है, तो किस तरीके से रखना है, चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर मैं दो तीन जो फोटो को आपको हाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको सेफेस्ट फोल्डर पर ले जाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देने के सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो 7 फोटो को जो यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट का आइकॉन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मूव टू सेफेस्ट फोल्डर का, तो मूव टू सेफ फोल्डर के वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं चूज ए लॉक का आपको ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है पिन और पैटर्न का। तो यहाँ पर आप खुद भी जो है लॉक सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल पर लॉक सेट करते हैं। अगर आप इस सेफ फोल्डर पर अपने कोई प्राइवेट फोटोज और वीडियोज को रख देते हैं, तो ये 100% बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ये गूगल का जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न लॉक को सिलेक्ट कर दूंगा, तो पैटर्न के ऊपर पिन लॉक को सिलेक्ट कर दूंगा। पिन लॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पिन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन दे देना है। तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट का पिन दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फिर से 4 डिजिट का पिन दे देना, पिन दे देने के बाद नेक्स्ट ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं गोटेड का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा गया हुआ है रिमेम्बर योर पिन, मतलब जो है आपका जो पिन है आपको याद रखना है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर गोटेड के ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। देन मूव 8 फाइल्स, में यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके फाइल जो है हट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो 8 फोटो को सिलेक्ट किया होगा, वो जो है यहाँ से हट गया है। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये आपके गैलरी से जो हट जाएगा, सिर्फ आपको गूगल का जो यहाँ पर फाइल भाई एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको आना है। देन यहाँ पर आपको सेफ फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे, तो यहाँ पर एंटर पिन में यहाँ पर आपका पिन मांगेगा, जो भी आपने 4 डिजिट का पिन सेट किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वो 8 फोटो जो यहाँ पर मैंने सेफेस्ट फोल्डर पर रखा हुआ था, यहाँ पर आ गया है, और ये आपके गैलरी पर शो भी नहीं करेगा, ये गैलरी से बिल्कुल भी हट जाएगा। और उसके बाद अगर आप इस फोटो को वापस से अपने गैलरी पर लेने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। किस तरीके से लेना है, चलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद आपको सब फोटो को सिलेक्ट कर देना है। अगर आप सब फोटो को लेना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं मूव आउट ऑफ सेफ फोल्डर, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है मूव आउट ऑफ, तो इस वाले फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे, तो ये 8 जो फोटो था ये आपके गैलरी पर वापस से चला जाएगा। तो आप इस तरीके से गूगल फाइल का जो सेफ फोल्डर है, इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज रखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये जो लॉक है ये कोई भी नहीं खोल पाएगा, और ये 100% सिक्योरिटी के साथ ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसलिए जो है आपको यहाँ पर कोई भी जो है घबराने की बात नहीं है। तो वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।